सामने आपका कमलेश कुमार, ये भी 25 साल हो गए। पहले कुतवाली के सामने रखती पहले कुतवाली के सामने इधर पे 8 साल हो गए। इडली डोसा वड़ा मिल जाएगा, ये मेनू है, ये जोमेटो स्विगी भी मिल जाएगा। ये नशा करके आ गया था, बहुत प्रॉब्लम कर गया था, अभी अच्छी है, अभी सब लोग जानते हैं, 25 साल हो गए ना, अभी तो सब दोस्त टाइप पे आ गया है, सब टाइप पे। हाँ, वो पहले तो हम लोग वो बेच रहे थे ना। अच्छा, जिलेबी ऐसे बेच रहे थे। अच्छा, ठीक है, मुखाड़ में। हाँ, उसको इधर आया, वहाँ पापा ने सोचा दूसरा ही दुकान खोलने। 25 साल आज की डेट में अपने आप में फेमस है, किसी की फेमस की जरूरत नहीं है। नंबर वन डोसा यहाँ मिलता है और रीजनेबल रेट पे मिलता है, तो वादा क्लियर करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, उसके भी सुनने पड़ता है ना। 25 आदमी का ऐसे दुकान खोलवाया, ये देखो, ये दिन में ही है, दोपहर में, एक नंबर वन का डोसा है। ये है भैया साउथ इंडियन डोसा, साउथ इंडियन डोसा, इडली डोसा, सांभर, सारी चीज़ें मिलती हैं। ये देखिए आप, इनकी ग्राहकी भी रात दिन चलती रहती है। ये इनका देखो अंदर का है, सब कस्टमर खा रहे हैं, कस्टमर बैठ रहे हैं। हाँ भैया, आपका शुभ नेम क्या है भैया? शुभ नेम आपका नाम? कमलेश कुमार। कमलेश कुमार, इस बिजनेस की शुरुआत कब से किया? ये अभी 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। हाँ, पहले कुतवाली के सामने रखती। हाँ, पहले कुतवाली के सामने, इधर पे 8 साल हो गए। 8 साल इधर? 8 साल हो गए। अच्छा अच्छा, आप क्या क्या रखते हो सामने? हम इडली डोसा वड़ा मिल जाएगा। अच्छा, ये मेनू है, उनके मेनू है, मेनू कार्ड भी इनका है। मैं बटर पनीर उत्तपम, पनीर उत्तपम, बटर उत्तपम, उत्तपम मटर पनीर मसाला डोसा, पनीर मसाला डोसा, मटर बटर मसाला डोसा, ऐसे काफ़ी इनके प्लेन डोसा, इडली की सांभर बड़ा थी, और रीजनेबल रेट है। देखो जी, आप देख सकते हो मेनू कार्ड लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये जोमेटो स्विगी भी मिल जाएगा, टमेटो स्विगी भी हमारा ऑर्डर देंगे, यहाँ से जाता है। तो आपने शुरुआत को मतलब 15 साल हो गए? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। 25 साल का आपका सफ़र कैसा रहा? मतलब ग्राहकी में अंतर कुछ आया होगा? कुछ लोकेशन वाइज, जैसे पहले बड़ी शॉप होगी, वहाँ छोटी शॉप, कॉल पहले छोटी शॉप है, अभी बड़ी शॉप मिल जाएगी, बड़ी शॉप मिल जाएगी। सफ़र आपका कैसा रहा? मतलब कुछ कठिनाइयाँ अड़चन हैं, साधाएँ कुछ आई होंगी, दिक्कतें कुछ आई होंगी? हाँ, वही दिक्कतें आ गए तो कोई प्रॉब्लम, दिक्कतें आई आ गए थे, बहुत प्रॉब्लम आ गए थे। अभी जैसे कि एक प्रॉब्लम बताइए, ये नशा करके आ गया था, बहुत प्रॉब्लम करके आता, ड्रिंक करके आ गया, ड्रिंक करके आए थे, बहुत करी थी, अभी प्रॉब्लम कोई नहीं है, अभी नहीं है। अच्छा अच्छा, आपको ये देखो डोसा बन रहा है यहाँ पे, ताजे डोसे बनाए जा रहे हैं। तो शुरुआत में मतलब शराबियों द्वारा जो गलत व्यक्ति आए, गलत व्यक्ति उन्होंने गलत व्यवहार किया आपके साथ, और बाकी वैसे दुकानदारी में कोई नहीं थी, ग्राहकों से अभी हाल फिलहाल ग्राहकों से कैसा आपका रिलेशन है? अभी अच्छी है, अभी सब लोग जानते हैं, 25 साल हो गए ना। हाँ, अभी तो सब दोस्त टाइप पे आ गया है, सब टाइप पे। हाँ, बाकी हम आपका चैनल से भुगतान और करेंगे तो ग्राहक आपके और आएंगे। हाँ, अच्छा ठीक है। तो मंजिल, अभी मंजिल कारवां से कितनी दूर है? मंजिल गरीबा, मतलब अभी तो आप सफर में ही चल रहे हैं, मंजिल मिल गई है फिर? अभी मंजिल तो बड़ी होगी ना, अभी इतना इसको और ब्रॉड करना और बढ़ाना है, एक आध ब्रांच और रही में। बड़े भैया आइए, बड़े भैया आपका स्वागत है। ये इनके बड़े भाई हैं, ये भी आए हैं भैया। यहाँ तक 18-20 साल में आपको पहुँचने में यहाँ तकलीफ होने लगा है, ये सफर में आपको कितनी कठिनाई बाधाएं आई, अड़चने आई? थोड़ा क्रंची कर दो। वो पहले तो हम लोग वो बेच रहे थे ना। अच्छा, जिलेबी ऐसे बेच रहे थे। अच्छा, ठीक है, मुखाड़ में। हाँ, उसको इधर आया, वहाँ पापा ने सोचा दूसरा ही दुकान खोल लें, दूसरा ही दुकान, उनमें मरे सोचा, उसको इधर आए, बुरे में आए, बुरे में आए, मच्छी छोड़ा भी दुकान लगाए, पूरा 15 दिन हुए, पूरा 7-10 साल इधर भी होने वाला है, 10 साल। हाँ, 25 साल। आज की डेट में अपने आप में फेमस है, इनको किसी की फेमस की जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक कोशिश और कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से यूट्यूब कर दे रहे हैं, जो बच्चे कुछ लोगों की ओरिंग का नंबर वन डोसा यहाँ मिलता है और रीजनेबल रेट पर मिलता है, रेट भी ज़्यादा नहीं, उचित रेट है, लेकिन ऐसा इडली डोसा कहीं नहीं मिलेगा। जी ठीक है, तो फिर मंजिल, अभी तो मंजिल तो है नहीं, मंजिल पहुँचने में अभी कितना दूरी है? देखें कभी ऊपर वाला कैसे कर रहा हूँ, मंजन कर रहा हूँ, और बड़ी दुकान खोलने का और दो साल है। चलना ही सफर है। सफर मिले, सफर में दिक्कतें आई तो आनंद भी आया होगा आपको, आनंद भी मिला होगा ग्राहकों द्वारा, क्योंकि सब ग्राहक ऐसे नहीं होंगे, कोई कोई ग्राहक ऐसे उल्टा भी है, तो वादा क्लियर करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, उसके भी सुनने पड़ता है ना, सुनना पड़ता है, दुकानदारी है भाई अपनी अपनी, हमें खराब नहीं होना, हमें अपनी इंसानियत पर चलना है, अगला जैसा है बना रहे। मैं अभी ग्राहकों से भाई बता रहे हैं आपके बढ़िया संबंध में, तो
अभी तो सब अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो जो नए यात्री हैं जिसको मान लो आपको कुर्ता की दुकान किसी को खोलनी हो, उनके लिए आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज है? थैंक यू भैया। जैसे कोई चाहे डोसा का काम करना, इडली डोसा का काम, उसको आप क्या कहेंगे? मैं कहा भैया हमारी दुकान पे हमारे लोना काम कर रहा है, ऐसे वो काम कर रहा तो 2-4 साल काम करेगा, उसका हमें खोलने ऐसे कहेगा, उसके कहीं दूध लगवा देते खोल ले भैया कह देते, उसके कोई दिक्कत मतलब कर देते। हाँ कर देते अपने, तो देखो काफी भले इंसान है ये, मतलब अभी तक 20-25 आदमी का ऐसे दुकान खोलवाया। बताओ पापा ने, हमारे पापा ने दिखाता हूँ। ये सभी यात्रीगण खा रहे हैं यहाँ पर, ये देखो ये दिन में ही है, दोपहर में। एक नंबर वन का डोसा है, लोग बता रहे हैं कि नंबर वन है, तो सब बढ़िया है यहाँ पे, ये इनका स्टाफ है पूरा। चलिए भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद।